नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम मम्मी है, वो उनका नाम खुर्शीद आया है। कहाँ से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद यूपी से। पेशेंट आए हैं आपके साथ पे? नहीं, पेशेंट एक महीने पहले आए थे। पहले आए थे जी। ठीक है, तो जब आप आए थे तो आप पेशेंट को कैसा लग रहा था, आपकी मदद को? उस वक्त किस हाल में आए थे? उस वक्त तो इतनी हालत ख़राब थी कि वो ना कुछ बोल पा रही थी, ना उठ पा रही थी, ना खाना पीना पीना ठीक है। किडनी में बताया डॉक्टर ने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कैंसर की शिकायत है। ओके, ठीक है ना। कैंसर की शिकायत? हाँ, तो हम कई प्राइवेट में भी गए, सरकारी में गए, लेकिन कोई इलाज अफोर्ड नहीं हो पाया सही से। एलोपैथिक ट्रीटमेंट पूरा नहीं नहीं आपने? नहीं नहीं, उसके बाद में नहीं, ट्रीटमेंट तो हुआ एक दूसरे का, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स सही नहीं मिल पाया। जी जी ठीक है। और उसके बाद ये पता लगा कि हाँ भाई, ये कर्म आयुर्वेदा सेंटर है। हाँ जी। तो हमें किसने बताया? ठीक, हम यहाँ आए। रेफरेंस से आए हैं? नहीं, रेफरेंस से नहीं आए, मैंने तो गूगल से, गूगल से पूछा था। हाँ, यूट्यूब से, गूगल से मालूम पड़ा, गूगल से पता चला। जी जी ठीक है। तो अब कैसा लग रहा है मैं आपको? अब मम्मी बिल्कुल ठीक है, फिट हैं बिल्कुल, लेकिन अब एक महीने की दवाई में ही कम से कम 70-80% फायदा है उनको। बहुत फायदा, ठीक है ना। दवाई टाइम पे खा रही है, टाइम पे चलना, लेकिन अब कुछ चल रही है थोड़ा थोड़ा। उस टाइम पे तो उम्मीद थी नहीं, उस वक्त जो सिचुएशन क्रिटिकल बहुत ज्यादा थी। क्रिटिकल थी जी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। बहुत ज्यादा। तो जब आप आए थे तो क्रिएटिनिन लेवल उनका कितना था? क्रिएटिनिन तो 6 पॉइंट्स ऊपर था। अच्छा। और ब्लड यूरिया था 188। ठीक है, ठीक है ना। डॉक्टर्स ने डायलिसिस के लिए कहा था? डॉक्टर्स ने बोला कि डायलिसिस पे जाएंगे, इंडोर करना पड़ेगा इनको। और हमें तो दोनों चीज बचानी थी, क्योंकि हमें मम्मी को ज्यादा बचाना था। ठीक है ना। तो डायलिसिस का मुझे मालूम है, ठीक है ना। डायलिसिस में आदमी जाता है लेकिन वापस बहुत कम आता है, ठीक है ना। तो हमें आयुर्वेदिक पे है भरोसा, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदिक से हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बेटर, बेहतरीन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिएटिनिन लेवल पहले 6 पॉइंट समथिंग था और अब कितना है? अब 1.63 है। 1.63 ऑलमोस्ट नॉर्मल की, नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में मैडम। जी जी। किडनीज काफी अच्छा, किडनी इंप्रूवमेंट कर रही है, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट एक बार कैमरे में दिखा दीजिए, ये देखिए जी। देख सकते हैं क्रिएटिनिन लेवल जब पहले आए थे तो था 6 पॉइंट समथिंग और अब है 1.63 और यूरिया, ब्लड यूरिया है 188 और अब है 49.2। बहुत वास्ट चेंजेस हैं। जी जी मैडम, बहुत वास्ट चेंजेस हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहते हो किडनी पेशेंट्स को, जो प्रॉब्लम उनको? किडनी पेशेंट्स को, मैं किडनी जो पेशेंट है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एलोपैथिक छोड़ दें, आयुर्वेदिक अपनाएं, जिंदगी बचाएं, ठीक है। ठीक है, तो कर्मायुर्वेदा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, जितना इन्होंने सपोर्ट किया है बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और बाकी हमारी मम्मी ठीक हो गई, हमें बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत अच्छा है रिजल्ट। बहुत अच्छा। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कर्मायुर्वेदा इज द बेस्ट, क्योंकि बहुत इतना वास्ट चेंज है। 6 पॉइंट कितना, ऑलमोस्ट 6.5 से एक नॉर्मल रेंज में आ जाना बहुत जी, मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत जी, बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, बिलीव नहीं था ऐसा, ऐसा हो जाएगा, बिलीव था नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ ना कि आदमी ये कहते हैं ना कि शेर के मुंह में से मांस नहीं ला सकते, लेकिन लाए, ठीक है ना। तो ये सब जो जितना भी संभव हुआ, ये कर्म आयुर्वेद से ही संभव हुआ है। आयुर्वेद अपनाओ और जिंदगी बचाओ, ठीक है मैम। एलोपैथी में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं? नहीं, एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथिक में यही है कि 4 लकड़ी साथ में, बंदा फ्री, ठीक है। जी जी, ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, ओके, थैंक यू।